हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम निशा अरोड़ा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगूंगी कि मैंने इस वीक पूरा ये जो वीक निकाल दिया और आप लोगों के लिए वीडियो कोई भी यूट्यूब पे मैं नहीं लेकर आई, उसके लिए आप सब लोग रीजन जानते हैं गाइस कि इंस्टाग्राम पर हमारा वेट लॉस चैलेंज चल रहा है 31 डेज का। इस वेट लॉस चैलेंज में मैंने आपको बोला कि आप एक महीने में अपना बहुत ही आसानी से 10 kg वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं डेली की डाइट एंड डेली की एक्सरसाइजेस के वीडियोस, जिसे फॉलो करके आप अपना अमेजिंग वेट लॉस कर सकते हैं। इसी वजह से मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने का टाइम नहीं निकाल पाई, लेकिन अब फिर से प्रॉमिस करती हूं कि मैं कोशिश करूंगी कि वीक में आप लोगों के लिए मैं 2 वीडियोस लेकर आऊं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आप नए हैं गाइस, तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट निशा अरोड़ा, जो कि आप लोगों के लिए पोस्ट करती है बहुत ही अमेजिंग से डाइट प्लान, जिसके साथ साथ अपने फैट कटर ड्रिंक्स के वीडियोस, साथ ही साथ अपने अमेजिंग वर्कआउट के प्लान्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज, जो कि मेरी खुद की इन्वेंशन है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जिसे फॉलो करके मेरे बहुत सारे प्यारे फॉलोअर्स अपना अमेजिंग वेट लॉस कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप भी अपना अमेजिंग वेट लॉस करेंगे। गाइज, बहुत दिनों से मैं कमेंट बॉक्स में एक जो जनरल मैसेज देख रही थी वो ये था कि मैम प्लीज थायराइड के लिए डाइट प्लान लेकर आइए, और दूसरा क्वेश्चन कि क्या थायराइड में वेट लॉस किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहूंगी कि थायराइड में 101% वेट लॉस किया जा सकता है। अगर आपको इसका बिलीव नहीं है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के IGTV पर जाएं और मेरे ढेरों क्लाइंट्स जिन्हें थायराइड है, कैसे उन्होंने अपना थायराइड क्योर किया है मेरे साथ जुड़कर, डाइट प्लान्स कस्टमाइज डाइट प्लान लेकर और एक्सरसाइजेस को फॉलो करके, ताकि आपको इस बात पर ट्रस्ट हो जाए कि जी हाँ, थायराइड में भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था गाइज कि डाइट प्लान ऐसा लेकर आइए जो कि हमारी पॉकेट फ्रेंडली हो। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, ये एक ऐसा थायराइड प्लान है जो कि वो सारी चीजें जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, आप उन्हीं से ही अपना खाना बनाएंगे और अपने थायराइड को क्योर तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आप अपना वेट लॉस करेंगे। मैं निशा अरोड़ा आपसे प्रॉमिस करती हूं कि अगर आप इस डाइट प्लान को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे, मैं जैसे जैसे वीडियो में आपको जो जो रूल बताऊंगी, अगर आपने उसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया, तो आप विद इन 2 मंथ्स अपना थायराइड क्योर करेंगे, और इसी के साथ साथ आप अपने टारगेट को 1 से 1.5 मंथ में ही वेट लॉस के टारगेट को कंप्लीट कर जाएंगे। सुनने में ये चीज आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इम्पॉसिबल भी लग रही हो, पर मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का वेट लॉस करके दिखाया है, करवा कर दिखाया है, जो कि जिंदगी से हार चुके थे कि हम अब कभी वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को आपने पूरे ध्यान से सुनना है, पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स आपने मेरे साथ शेयर करने हैं। जैसा कि मैंने बोला, पॉकेट फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी चीज आपके टाइम की बचत करेगा। सारे फूड आइटम्स आप 4 से 5 मिनट में बना लेंगे, और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए आप अपने थायराइड को क्योर करेंगे और अपना अमेजिंग वेट लॉस करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि क्या इस डाइट प्लान को सिर्फ थायराइड पेशेंट्स ही फॉलो कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल पर्सन भी इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना अमेजिंग वेट लॉस कर सकता है। और वे अब तीसरा क्वेश्चन, कितना वेट लॉस होगा, है ना गाइस, सबके मन में यही होता है कि मैं अगर इस डाइट प्लान को 1 महीने तक फॉलो करूं तो मेरा कितना लूज होगा, अगर मैं लगातार 2 महीने तक फॉलो करूं तो मेरा कितना लूज होगा। देखिए गाइस, वैसे तो मैं हमेशा ही आप सब लोगों को बोलती हूं कि आपकी जो बॉडी है, हर एक इंसान की डिफरेंट है, सो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। हाइट वेट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका मेटाबॉलिज्म काम करता है, और आप उसके अकॉर्डिंग ही वेट लॉस की जो आपकी प्रोसेस है वो चलती है। कुछ लोगों का डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता है, दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, तो वो बहुत अच्छा लूज कर जाते हैं। कुछ लोगों का डेडिकेशन बार बार टूटता है, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन टूटा, चौथे दिन खुद को मनाते हैं, फिर 5वें दिन शुरू करते हैं, फिर 2 दिन करते हैं, फिर डेडिकेशन टूट जाता है। तो उन लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि दुनिया में अगर कुछ भी हासिल करना है, तो जब भी आप थक जाओ ना, तो थोड़ा सा रुक के रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करने में बुराई नहीं है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद फिर से एक नई एनर्जी आती है और फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी थकती हूं, मैं भी इंसान हूं, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब मैं अपना पास देखती हूं कि मैंने कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा किया, उन्हें देखने के बाद फिर से एक नई एनर्जी मेरे अंदर आती है कि जब मैं इतना कर सकती हूं
तो आगे का रास्ता तो बिल्कुल छोटा है, मैं बहुत ज्यादा कर सकती हूँ अपने लिए। सो गाइज, यही डेडिकेशन आपको अपने साथ लेकर चलना है कि यस, इस बार चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करके दिखाऊंगी और मैं अपना अमेजिंग वेट लॉस करूंगी। तो गाइज, आज का ये डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। गाइज, जब भी कोई पर्सन किसी डिजीज को फेस कर रहा होता है तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव उसको उसकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, उसके बारे में सिर्फ उसी को पता होता है क्योंकि वो उस चीज को फेस कर रहा होता है। तो उसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो चल रहे होते हैं, लाइक कि डज एवरीवन हु हैज हाइपोथायरॉयडिज्म बिकम ओवरवेट, डज द पीपल विद हाइपोथायरॉयडिज्म गेन वेट, मतलब बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज देखिए, थायराइड जो हार्मोन होता है दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी ईच एंड एवरी सेल ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी के हर सेल को काम करने के लिए जो है थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो जब वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो उस टाइम पे हमारी ये डिजीज बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी खुद से जो है इस हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये होता है कि जिस भी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या वो वेट गेन करेगा? कोई जरूरी नहीं है गाइज, ये आपका सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है। बहुत सारे लोग जिनको थायराइड होता है उनका वेट गेन नहीं होता, लेकिन वो इसी स्ट्रेस में सारा दिन रहते हैं कि मुझे थायराइड है अब मेरा वेट बढ़ेगा, और इस वजह से स्ट्रेस की वजह से उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है, लाइक आपके जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ फूड इनटेक हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, लैक ऑफ रेस्ट हो सकता है, इसके अलावा लैक ऑफ डाइट कंट्रोल हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से आप जो है ओवर वेट हो जाते हैं, और एक बार जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो उस वक्त पे हम इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगते हैं कि कैसे मैं अपनी इस बीमारी को अपनी बॉडी से बाहर निकालूं। अगर वो बीमारी हमें नहीं भी होती ना तो भी सोच सोच के हम उसको उतना बढ़ा लेते हैं कि बाद में वो क्योर करनी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं और वो अपनी इस बीमारी से लड़के वापिस से इस लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं। इतनी कीमोथेरेपीज के बाद भी दे आर हैप्पी, दे हैव स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। अगर वो लोग मुस्कुरा सकते हैं तो व्हाई कांट आई? वी आल्सो कैन स्माइल इन एवरी ईच एंड एवरी डिफिकल्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। कभी भी लाइफ में हार मानना मत सीखिए। जिंदगी को अगर आप पेशेंस के साथ निकालेंगे, आप सब्र रखेंगे, तो आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आप अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दुनिया में हर एक आदमी परेशान है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। जब हम उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे, किसी दूसरे इंसान की जगह पे, तो उस वक्त शायद हम लोगों को ये दिखाई दे कि हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, उसकी परेशानी हमसे भी ज्यादा है। लेकिन इंसान अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसको ये नहीं दिखाई देता कि दुनिया में छोटे छोटे रीजंस भी हैं स्माइल करने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप स्माइल के साथ सब कुछ करेंगे तो आपने एक कहावत सुनी होगी, स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, और वो बिल्कुल सही है। आपकी स्माइल सिर्फ आपके लिए ही पावरफुल नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो आपको पसंद नहीं करते। एक बार उनके सामने स्माइल करके देखिए, आधे लोग जो आपसे जेलस करते हैं वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपकी स्माइल से ही प्रॉब्लम है। और अगर आप उनकी वजह से स्माइल करना छोड़ देते हैं तो इट मींस आप उनको ही जो है सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो काम वो करना चाहते थे उसमें वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसीलिए जो आज मैं आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूंगी, इसे शुरू करने से पहले इन सारी चीजों को माइंड में रखिएगा, और उसके बाद ही आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको छोटी छोटी चीजों पे टोंट कसता है, जो आपकी छोटी छोटी चीजों पे नेगेटिव आपको बोलता है, या आपसे ये बोलता कि तू तो कभी पतली हो ही नहीं सकती, तो उन लोगों को करके दिखाइए, बोल के नहीं करके दिखाइए, क्योंकि
आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आपके वर्ड्स नहीं। अगर आपने बोल दिया मैं करके दिखाऊंगी और नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो आदमी आपको और ज्यादा नेगेटिव बातों से आपको परेशान करेगा, आपके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अगर आप बिना बोले करके दिखाते हैं तो आप उसी आदमी को बोलने पर मजबूर कर देते हैं कि यस तुमने कर दिखाया। ये सारी चीजें मैं आप लोगों से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि मैम आपके क्लाइंट से एक ही बात हमने सुनी है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हो, हमारे लिए भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करो। तो मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि अगर मेरी कोई भी बात में आपको सच्चाई लगती है तो उसको दिल से सुने, फील करें, फॉलो करें और फिर अपने रिजल्ट्स जो है अपने खुद के लिए पाने के लिए तैयार हो जाएं। आपको ये मेरे लिए नहीं करना, आपको ये उन लोगों के लिए नहीं करना जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, आपको ये खुद के लिए करना है क्योंकि आपको खुद को केयर करना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डाइट प्लान, जिसे फॉलो करके वादा रहा मेरा आप बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको 1.5 से 2 ग्लास वार्म वाटर का इंटेक करना है, बिल्कुल प्लेन पानी। उसके बाद आप वॉशरूम यूज करेंगे और फिर आप अपना वेट चेक करेंगे। इस डाइट प्लान में आपको वेट डेली चेक करना है। हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपका जो वेट है वो एक ही जगह पे स्टक दिखाई दे, कुछ लोगों का वेट कई दिन तक नीचे नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका वेट कम नहीं होगा। जब मैंने आपसे वादा किया है तो आपका वेट गारंटीड कम होगा। कुछ लोगों को तो सेम डे ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, पहले दिन दूसरे दिन रेगुलर नीचे जाएगा, कुछ लोगों का धीरे धीरे जाएगा और कुछ लोगों का कुछ दिन तक स्टक रहेगा और नीचे जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो किस लेवल तक जा चुका है, इस बात पर डिपेंड करता है। कितने एमजी की आप टैबलेट खा रहे हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है गाइस। आपका लाइफस्टाइल पीछे कितना ज्यादा बुरा रह चुका है उन चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले लेना है 1.5 से 2 ग्लास वार्म वाटर और उसके बाद आप वॉशरूम यूज करेंगे, अपना वेट चेक करेंगे और फिर आपको लेनी है अपनी टैबलेट जो आप थायराइड की लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी टैबलेट लेने के 40 से 45 मिनट तक कुछ भी ना खाएंगे ना ही पिएंगे, अदरवाइज जो टैबलेट है वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है और आपको रिजल्ट नहीं देती है। तो 45 मिनट्स के बाद यहां पर आपको एक फैट कटर ड्रिंक लेनी है। वो फैट कटर ड्रिंक क्या है, आपको 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें और आपको जस्ट उसे कप में अच्छे से मिक्स करना है 1 कप पानी में, और वो पानी आपका वार्म होना चाहिए और वो पानी आपको बैठ कर सिप सिप करके पीना है। इस डाइट प्लान के अंदर जो मैं आपको मेन फैट कटर ड्रिंक देने वाली हूं वो मैं रात के लिए देने वाली हूं ताकि वो पूरी तरह पूरी रात आपकी बॉडी में अच्छे से काम करे और आप अपना अच्छा वेट लॉस कर पाए। सो गाइस इसके बाद आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज में आपको जो अच्छा लगता है, आपको वॉक करना पसंद है, आप जाइए नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, आप वॉक कीजिए। अगर आपको वॉक करने की बजाय साइकिलिंग करना पसंद है या एक्सरसाइजेस करना पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको योगा करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट मैं आपसे कहूंगी कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, थोड़ी बहुत ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज आप जरूर करें जिससे आपको ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा पसीना जरूर आए, क्योंकि सर्दियों में या गर्मियों में हमारी बॉडी का पसीना बाहर आना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी के बैड टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। सो इसीलिए आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। इसके बाद गाइस बारी आती है हमारे दिन के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मील की, जो कि है हमारा ब्रेकफास्ट। गाइज ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शंस लेकर आई हूं और मैं चाहूंगी कि आप 7 के 7 डेज इन ऑप्शंस को चेंज कर करके खाएं ताकि आप बिल्कुल भी बोरियत फील ना करें इस डाइट प्लान में और अच्छे से अपना वेट लॉस कर पाएं। तो पहला ऑप्शन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है किनुआ की रेसिपी। गाइज इस वीडियो में आपको किनुआ किस तरीके से प्रॉपर वे में बनाना है आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं। आप चाहें तो 1 कटोरी किनुआ ले सकते हैं। गाइज अगर किनुआ खाना आपको पसंद नहीं है तो मेरे चैनल पर यहां पर आपको मक्की की रोटी मिल जाएगी। मैंने इसको काफी अच्छे तरीके से फिलिंग करके बनाया है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आपको इसके साथ और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी फिलिंग है कि आपको ऐसा लगेगा कि लंच तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो आप यहां पर 1 मक्की की रोटी ले सकते हैं। इसी के साथ गाइज मेरे चैनल पर आपको स्प्राउट्स की रेसिपी मिल जाएगी।
स्प्राउट्स को आपको 2 दिन पहले प्रिपेयर करना होगा क्योंकि इसको अंकुरित होने में टाइम लगता है। तो आप जब भी स्प्राउट्स खाने का मन हो 1 या 2 दिन पहले उसकी प्रिपरेशन तैयार करें। इसमें काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपको लंबे टाइम तक फुलर फील करता है, कराता है और आप अपना अमेजिंग वेट लॉस करते हैं, आप अपना सुपर वेट लॉस करते हैं। इसी के साथ गाइस मेरे चैनल पर आपको बाजरी रोटी की रेसिपी भी मिल जाएगी। आप चाहें तो 1 बाजरा रोटी भी आप ले सकते हैं। आप लोगों को पता है मक्की और बाजरी का जो आटा होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो 1 रोटी से ही जो है आपका पेट भर जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूखे हैं। मैं पूरा दिन आपको खाने के लिए दूंगी, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपको भूख लग रही है और फिर भी आप अपना जो है अच्छा वेट लॉस करेंगे। गाइज एक ऑप्शन आप लोगों के लिए मैं और लेकर आई हूं, अगर आप ये मक्की और बाजरी की रोटी नहीं खा सकते या आपके आसपास ये आटा अगर आपको अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर मेरे चैनल पर आपको मूंग दाल चीला दिखाई दे रहा है। मैंने यहां पर 2 तरह के मूंग दाल चीला की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ग्रीन मूंग दाल जो कि साबुत मूंग दाल होती है जिसे हम स्प्राउट्स बनाते हैं, आप उसका चीला ले सकते हैं। इसमें भी मैंने स्टफिंग की हुई है खूब सारी सब्जियों की, तो आप इसको ऐसे ही बनाकर खाएं, मैं कहूंगी ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं इसी में आपको येलो मूंग दाल चीला की रेसिपी भी दिखाई दे रही है जिसके अंदर मैंने पनीर की स्टफिंग की है, तो आप ये भी ले सकते हैं। यानी इतने सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, आप जो ऑप्शन खाना पसंद करें आप उसे चूज करिए और अच्छा खाना खाकर, अपना मनपसंद खाना खाकर अपने थायराइड को क्योर करें और अपना वेट लॉस करें। उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे मिड मॉर्निंग मील की, तो मिड मॉर्निंग मील में आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी और उसके साथ लेंगे आप एवरीडे 1 एप्पल, आपको रोजाना 1 सेब लेना कंपलसरी है। एप्पल जो है आपके थायराइड को क्योर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो गाइज आप समझिए कि आपको थायराइड से और आपको डॉक्टर से दूर रखने के लिए ही मैं इस डाइट प्लान में एप्पल को यूज कर रही हूं, आपको खाने के लिए बोल रही हूं। और आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखेगा कि क्या हम एप्पल की जगह कुछ और ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मिड मॉर्निंग में ग्रीन टी के साथ एप्पल ही खाएं। दोस्तों उसके बाद बारी आती है हमारे लंच की, तो लंच में भी मैं यहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई हूं। लंच में आपको अपनी डाइट में दही जरूर ऐड करनी है, दही थायराइड को क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी लंच करें तो आप थोड़ी सी दही का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। गाइज यहां पर आपको घिया सब्जी की रेसिपी दिखाई दे रही है, आप 1 से 1.5 चपाती ले सकते हैं, वो मल्टीग्रेन आटे की भी हो सकती है, आप नॉर्मल गेहूं के आटे की चपाती भी ले सकते हैं, और साथ में आपको लेनी है 1 कटोरी घिया की सब्जी और उसके साथ आपको लेना है फुल प्लेट सैलेड। ध्यान रखिएगा आप जो भी खाना खा रहे हैं वो सारा मेरी ही रेसिपी से बनाकर खाएं, क्योंकि मैं हर रेसिपी इस तरह से बनाती हूँ कि वो आपको वेट गेन की बजाय वेट लॉस में हेल्प करती है और वो टेस्टी भी होती है। इसी के साथ गाइस दूसरा ऑप्शन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी फ्रूट योगर्ट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, फिलिंग है। दही के अंदर कुछ फ्रूट्स को कट करके विद इन 2 मिनट्स में ये रेसिपी मैंने बनाई है, तो आप इसे जरूर देखिए, आप चाहे तो इसे भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइस पिछले साल मैंने मेरे चैनल पर विंटर डाइट प्लान पोस्ट किया था, तो जिसमें आपको मिल जाएगी पंपकिन सूप की रेसिपी, आप चाहे तो 1 कटोरी जो है पंपकिन सूप ले सकते हैं और उसके साथ अगर आपको लगता है कि मेरा पेट नहीं भरा, पहले तो ये बहुत फीलिंग है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको भूख लग रही है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसमें आप सैलेड का इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे लंच के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उसको आपको बहुत ज्यादा तेल या मसाले में नहीं बनाना, आप स्टीम्ड बॉइल्ड या ग्रिल्ड जो है चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं और उसके साथ भी आपको सैलेड लेना कंपल्सरी है। दोस्तों लंच के बाद बारी आती है हमारे इवनिंग स्नैक्स की, तो यहां पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूंगी। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद वो पानी पीते हैं, तो आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का गैप रखें आप पानी पीने में, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। जब हम खाना खाते ही ऊपर से पानी पी लेते हैं तो हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वेट गेन करने लगती है। तो ये एक टिप ऐसा है जो कि आपको याद रखना है, हमेशा ही चाहे आप
किसी भी चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इसे फॉलो करना कंपलसरी है अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में आपको लेने हैं ग्रीन टी के साथ 3 अखरोट। आप सब लोग जानते हैं कि थायराइड को क्योर करने के लिए वॉलनट्स जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां पर वॉलनट्स जरूर ऐड करने हैं। मैं कहूंगी और कोई ड्राई फ्रूट आप चाहे नहीं भी ले पा रहे हैं इस वजह से कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो आप जो है वॉलनट्स जरूर जरूर ऐड करें। ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं इस वेट लॉस जर्नी में। तो डेली के 2 से 3 वॉलनट्स आपने ग्रीन टी के साथ खाने ही खाने हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट मील की। देखिए गाइज ये हमारा लास्ट मील जरूर है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मील है। अगर आपने इसको ध्यान से खाया या पिया तो आप अपना बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस कर सकते हैं और इस बात पे आपका वेट लॉस ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप अपना जो डिनर है वो कितने बजे तक ले लेंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप 6:30 से 7 बजे तक जो है अपना डिनर कर लें और आप अपने सोने के टाइम को फिक्स करें। आप 9:30 से 10 बजे तक सो जाएं ताकि आप कम से कम रात में 7 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करें, अपने आप को क्योर करने में जो है एक कदम और आगे की तरफ जाएं। बहुत सारे लोग रात को देर रात तक मोबाइल्स और लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आज वो लोग बीमार हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ज्यादा लेट तक नहीं जागे, टाइम से सोएं, एक रूटीन सेट करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सेट करें कि ये मेरा उठने का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है, इस टाइम में मैंने अपने ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिन में ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, ये आपका एक रूटीन बन जाएगा जो कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो गाइस डिनर में जो मैं आप लोगों के लिए ऑप्शंस लेकर आई हूं आपको मेरे चैनल पर यहां पर दिखाई दे रही है चिया सीड्स स्मूदी की रेसिपी। यहां पर मैंने 2 तरीके से चिया सीड्स पुडिंग और स्मूदी की फॉर्म में बनाया है। ध्यान रखिए आपको बाउल वाला लेना है, आपको ग्लास वाला नहीं लेना, क्योंकि एक मैंने यहां पर वेट गेन के लिए बताया हुआ है जो कि बच्चों के लिए है और एक वेट लॉस के लिए बताया हुआ है जो कि बड़ों के लिए है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और आपको लगता है कि हम लोग जो है बिना नॉनवेज के नहीं रह सकते तो आप यहां पर भी चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 से 150 ग्राम तक आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं और अगेन मैं आपको बोलूंगी कि वो सिर्फ बॉइल्ड या स्टीम्ड होना चाहिए और उसके साथ आपको सैलेड जरूर ऐड करना है। अगर आपने मॉर्निंग में चिकन खाया है और आपको ये लग रहा है कि डिनर में हम दोबारा से चिकन नहीं खाना चाहते तो गाइज मेरे चैनल पर आपको ऑमलेट पिज्जा की रेसिपी मिल जाएगी जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये इतनी ज्यादा फीलिंग है कि मेरे जितने भी नॉन वेजिटेरियन क्लाइंट्स हैं वो सब के सब मुझे अपनी डाइट में इसे ऐड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं कहूंगी आप एक बार इसको जरूर बनाएं, इसको खाकर देखें और आप अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा वेट लॉस करेंगे मेरी इस रेसिपी के साथ। मैंने अगर इस सिंगल रेसिपी को आप पूरे दिन में भी खाते हैं ना 2 से 3 बार तो भी आप 1 वीक के अंदर अपना 4 से 5 केजी वेट लॉस कर सकते हैं। वो कैसे मैंने इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ गाइज अगर आपको पूरा दिन सर्दी में आप इतना कुछ खा रहे हैं और रात को आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप दूध जरूर पी के जो है सोएं और वो रहेगा आपका गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क आपको कैसे बनाना है, हल्दी वाला दूध जो है उसको बनाने के लिए आपको 1/2 चम्मच हल्दी लेनी है और नॉर्मल उसको दूध में डाल के आपने अच्छे से बॉइल कर लेनी है जब तक उसका जो है टेस्ट जो है पूरा दूध के साथ मिक्स नहीं हो जाता। उसके बाद बस आप उसे कप में छानिए और विदाउट शुगर आप उसको पी लीजिए। गाइज ये तो थे हमारे मील्स जो कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बताए और हर मील के अंदर आपको 2.5 से 3 घंटे का गैप रखना है, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। पानी की मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 11 ग्लास पानी आपको पूरे दिन भर में खत्म करना है और ये पानी आपको ठंडा नहीं पीना। अभी विंटर स्टार्ट हो गई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा दिन भर गुनगुना पानी पिए ताकि आपकी जो बॉडी है उसको वार्मथ मिलती रहे और वो अच्छे से वेट लॉस कर पाए और आपका खाना जो पूरे दिन भर में आप खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। सो गाइज अब बात आती है हमारे नाइट के फैट कटर ड्रिंक की। तो नाइट में आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैट कटर ड्रिंक लेना है जो कि आपके थायराइड को क्योर करने में 100% नहीं 500% आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है और गारंटेड आपके थायराइड को क्योर करने वाला है। इसके लिए गाइज आपको लेने हैं धनिया के बीज। आपको जो नॉर्मल जो हम साबुत धनिया जो है आप हमारे घर में होता है हम उसको पीस के धनिया बनाते हैं सब्जी में डालने के लिए, मैं उसी धनिया की बात कर रही हूं। आपको 1 चम्मच धनिया जो है
एक से डेढ़ चम्मच, वो चम्मच पे भी डिपेंड करेगा कि आपके घर में स्पून का साइज क्या है। तो जो नॉर्मल स्पून होता है वो आप 1.5 स्पून लें और उसे 1 कप पानी में अच्छे से आप तब तक बॉईल करें जब तक वो पानी 3/4 नहीं रह जाए। और ये आपको छोटा कप नहीं लेना है, कॉफी मग बड़ा कप जितना पानी लेना है ताकि वो 3/4 हो जाए। और ये आपको अपने डिनर के 45 मिनट के बाद, कभी भी अपने सोने से पहले और डिनर के 45 मिनट के बाद आपको पीना है, और सिप सिप करके आपको ये पानी पीना है, और उसके बाद आपको सो जाना है। आप जब सुबह उठेंगे, आप अपना वेट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ड्रिंक आप अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं ये कैसे बहुत तेजी से आपका वेट लॉस करने में आपकी हेल्प कर रही है। डे बाय डे मशीन पर आपका वेट जब आप नीचे जाते हुए देखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आप में आने लगेगा कि यस, मैं भी पतली हो रही हूं, मैं भी अब अच्छी दिखाई देती हूँ। गाइस, मैं अपनी जब भी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ तो लोग मुझे ये बोलते हैं कि वेट गेन होने के बाद एक इंसान के अंदर एक अलग सी फीलिंग आने लगती है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, लोग मेरे को किस नजर से देखते हैं। लेकिन जब वेट लॉस होता है तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने अभी कल ही अपनी पिक्चर शेयर की थी इंस्टाग्राम पे जिसमें मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए। आप लोगों का लव और एप्रिसिएशन मुझे हमेशा ही मोटिवेट करता है। और वहां पर एक कमेंट ये था कि निशा मैम, वेट जो लूज किया ना आपने उसके बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है मुझे आपने। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस मेरे हर एक फॉलोअर में, मेरे हर एक क्लाइंट में मैं देखूं, और जब भी वो मेरे किसी भी वीडियो को देखें तो उनके अंदर से ये एक आवाज आए कि यस, हम कर सकते हैं, क्योंकि निशा मैम के साथ इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखकर अपना अमेजिंग वेट लॉस कर सकें। और मेरे वीडियोस को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जरूर शेयर करें ताकि सिर्फ आप ही नहीं, आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी बना सकें। गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ अमेजिंग लेकर आऊंगी जो कि आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।